Hello my dear friends, Namaste. Today I am going to explain our design of circular water tank. Whenever we start to design of any RCC structure, first we have to do imagination of that structures. So it can be more easy to design and construct it. यह हमारा water tank है. यह हो गया base slab. ये resting on ground. ठीक है. उसके बाद ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल वॉल. ये हो गया थिकनेस ऑफ द वॉल. सबसे पहले जो हमारा सिलिंड्रिकल वॉल में रिइंफोर्समेंट होते हैं उसका डिज़ाइन करेंगे. उसके बाद बेस स्लैब का रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे. मान लो कि ये वॉल है और ये हमारा रिइंफोर्समेंट स्टील है. ये वाला स्टील को कहते हैं हुप और ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टोटल वाटर कैपेसिटी कितना, 1,00,000 लीटर और 5 मीटर हाइट. हमें डाया इसका जो डायामीटर है हमें मालूम नहीं, वो हमें फाइंड करना है कितना है. और थिकनेस ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ द वॉल ये भी हमें फाइंड करना है कितना होना चाहिए. और यहाँ पे जो ये वर्टिकल बार है या डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे स्ट्रेस कम होते हैं और इसमें जो हुप रिइंफोर्समेंट इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, इसलिए इनका डायामीटर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, इनका डाया कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से लेके 12 mm तक, 10 12 और उससे ज़्यादा. अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप लाइक अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कितना है, 1,00,000 लीटर, और ये लीटर में है, हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो डिवाइडेड बाई 1000, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर. सो 100 m³ हो गया वॉल्यूम. ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, डायामीटर फाइंड करने के लिए. इफ़ डी इज द डायामीटर ऑफ द टैंक देन यू नो द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम फार्मूला, पाई डी स्क्वायर बाई 4 × h. पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड मल्टीप्लीकेशन बाई हाइट. सो दैट इज बिकम वॉल्यूम ऑफ द टैंक. I have mentioned that 100 m³. So diameter हम जब find करेंगे तो कितना हो जाएगा, pi d square h equal to 4 × 100. So d square is equal to 4 × 100 divided by pi का value कितना होता है, 3.14 इंटू हाइट हमको कितना दिया है, 5 मीटर. देयरफॉर डी इक्वल टू 5.05. जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डी इक्वल टू इतना आ गया डायमीटर. हेंस प्रोवाइडिंग डाया 5.1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. यह हमारा डिजाइन कंस्टेंट है, लाइक अ परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा ST, दैट इज 130 newton per mm square. वो 130 है, 130 newton per mm square फॉर HYST बार. और दूसरा परमिसिबल डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा CT, दैट इज 1.3 newton per mm square फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ये वैल्यू IS 3370 Part 2 Table No. 2 और 3 में मिल जाएगा. डाया हमने फाइंड कर लिया. अब अगले स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 2,
मैक्सिमम हुप टेंशन। हुप टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू गामा इंटू हैच इंटू डी बाई टू। गामा रिप्रेजेंट यूनिट वेट ऑफ द वाटर, हैच रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द टैंक, डी रिप्रेजेंट डाया ऑफ द टैंक। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यूनिट वेट ऑफ द वाटर 9.8 इंटू 5 मीटर दैट इज हाइट एंड इंटू 5 मीटर 5.1 दैट इज अ डाया ऑफ द टैंक वाटर। तो हमारा हुप टेंशन टी इक्वल टू 124.95 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। अब एरिया ऑफ द स्टील, अब एरिया फाइंड करने के लिए ए एस टी इक्वल टू टी टेंशन डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या है? यहाँ पे हमने IS कोड से लिए हैं, IS 3370 पार्ट टू, इस कोड से हमने लिया है टेबल नंबर टू। सिग्मा एस टी इक्वल टू कितना है? 130 न्यूटन पर mm². एस टी इक्वल टू 124.95 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 130, सो एस टी इक्वल टू 962 mm². और 1000 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो टेंशन जो है किलो न्यूटन में है और हमको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सो 1000 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हम 12 mm बार एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो यूजिंग 12 mm डाया बार, एरिया ऑफ द बार, एक स्टील का एरिया कितना होगा? सो पाई d² / 4, ये हमारा फार्मूला है। पाई डायामीटर ऑफ द बार कितना है? 12 स्क्वायर / 4, हमको कितना आंसर आया? 113 mm², ठीक है। सो स्पेसिंग इज इक्वल टू 113 एरिया ऑफ द बार इंटू 1000 / 962 AST जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये 1000 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये एक मीटर के लिए है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होते हैं। हमारा आंसर कितना है? 117.46 mm। हेंस प्रोवाइडिंग 12 mm डाया बार, दैट इज अ हुप रिंग, ये वाला बार हुप रिंग, ये कितना है हमारा डाया? 12 mm बार एट 110 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। हमने कैलकुलेशन कितना किया था? 117.46, उसको हमने एक कंस्टेंट वे में मेंशन किया है, एज्यूम किया है 110। तो एक्चुअल हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना हुआ? एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड 113, दैट इज एरिया ऑफ द बार इन 2000 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज दिस इज अ स्पेसिंग। सो एस टी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 1027 mm². टोटल हमारा टैंक का हाइट कितना है? 5 मीटर, जिसमें हमने आधा वो किए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप। टी दैट इज अ टेंशन, हुप टेंशन, टी इक्वल टू 62.5। ये 62.5 कहाँ से आया? जो हमारा टोटल टेंशन कितना था? टी इक्वल टू 124.95, इसका हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई टू, इसका आधा करेंगे तो हमको 62.5 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना हमारा आंसर आएगा। फिर एंड एस टी एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये कितना है? 481 1027 डिवाइडेड बाई टू करेगा, इसको भी आधा करेंगे तो हमको इतना मिलेगा 481। हैंस स्पेसिंग कैन बी डबल्ड। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टील जो है, ये हमारा हुक स्टील है, ठीक है। तो ये नीचे से 2.5 मीटर तक हमारा स्पेसिंग जो कितना है यहाँ पे 12 mm डाया, 110 mm स्पेसिंग, 110 mm स्पेसिंग रहेगा 12 mm डाया, ये कहाँ तक है? 2.5 मीटर तक। इसके बाद जो हाइट होता है 2.5 मीटर ऊपर, वहाँ का स्पेसिंग डबल हो जाएगा, जितना है वहाँ उतने से डबल हो जाएगा स्पेसिंग, और डाया ऑफ द वार जो है वो सेम रहेगा। अब स्टेप थ्री में आते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड करना है? थिकनेस ऑफ द टैंक वाल, ओके। सो थिकनेस ऑफ द टैंक वाल देयर इज अ फॉर्मूला सिग्मा सी टी इज इक्वल सॉरी ग्रेटर दैन टी दैट इज अ हुप टेंशन टी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल टी प्लस m - 1, m इज द मॉडुलर रेशियो इंटू ए एस टी एरिया ऑफ द स्टील,
देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द मॉडुलर रेशियो. मॉडुलर रेशियो एम स्मॉल एम इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सी बी सी. सिग्मा सी बी सी क्या है? सिग्मा सी बी सी इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर द बेंडिंग. ओके, दिस यू कैन फाइंड इन टेबल नंबर 2 आईएस कोड 3370 पार्ट 2. ओके, सो एम इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 8.5. दिस 8.5 आई हैव गॉट दिस वैल्यू सिग्मा सी बी सी. सिग्मा सी बी सी फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यू विल गेट 8.5 वैल्यू, दिस वैल्यू. सो व्हेन आई हैव डन द कैलकुलेशन वी गॉट 10.98. सो अप्रोक्सीमेटली आई हैव टेकन 11. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वन आफ्टर फाइंडिंग द मिनिमम थिकनेस t इक्वल टू 85 mm, हेंस प्रोवाइडिंग थिकनेस ऑफ द टैंक वॉल इज 100 mm. मिनिमम हमको 85 mm होना चाहिए, इसलिए हम 100 mm एज्यूम करते हैं. एरिया ऑफ स्टील मिनिमम 0.35% होना चाहिए, 0.35% ऑफ द एक्स सेक्शन एरिया ऑफ सरफेस जोन. ठीक है, तो 0.35 डिवाइडेड 100 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 2. ये जो है हमने जो एज्यूम किया था थिकनेस ऑफ वॉल वो है 100 डिवाइडेड बाई 2. सो यू गॉट 175 mm square. हेंस दैट इज़ अ लेस देन 1027 mm square. हेंस दैट इज़ अ ओके. सो नोट थिकनेस ऑफ द वॉल इफ that thickness is less than 300 mm, then the spacing of the hoop should not be greater than 300 mm or thickness of the sections. Okay, therefore providing 12 mm dia bar, that is a hoop at 100 mm center to center along height of the wall, and a spacing increased to 220 mm, means double of the this sections. Okay, 220 mm center to center at the distance of 2.5 meter height from the top. Okay, ये हमको कैसे मिला? सॉरी 110 mm. इधर देखिए, स्पेसिंग इक्वल टू 113 mm square. ये हमारा एरिया ऑफ बार है. ये 12 mm का जब एरिया फाइंड करोगे तो इतना आएगा, इतना इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1027 एरिया ऑफ स्टील 1027 ये वाला, तो हमको 110 mm आएगा. वो हमने यहाँ पे रखे हैं, और ये जो वैल्यू है ये 2.5 मीटर फ्रॉम बॉटम टू 2.5 मीटर मिडल तक आएगा इतना स्पेसिंग. उसके बाद स्पेसिंग हम इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे अप टू द 2.5 मीटर फ्रॉम द टॉप. ठीक है, अब स्टेप फोर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन और रीइंफोर्समेंट, जिसे वर्टिकल रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज प्रोवाइडेड एट 0.35%. विच इज 175 mm square. यहाँ पे हमने फाइंड किया है 175 mm square, 0.35% थिकनेस ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे एज्यूम करते हैं प्रोवाइडिंग 10 mm डाया बार प्रोवाइड करते हैं, फिर देखते हैं ये सूटेबल है कि नहीं. एरिया ऑफ द बार 78.5 mm square. उसके बाद स्पेसिंग फाइंड करते हैं, इतना आ रहा है 448 mm. इतना हम नहीं ले सकते, मैक्सिमम हम 300 mm ले सकते हैं स्पेसिंग. सो टेकिंग 300 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर वर्टिकल. ये वाला स्टील है ना, ये वर्टिकल, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार इन द टैंक. ये वाला स्पेसिंग जो है 300 mm हमने अज्यूम किया, 300 mm स्पेसिंग लेने के बाद इसका एक्चुअल एरिया देखते हैं कितना है. एरिया ऑफ स्टील 78.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 300 mm, वी गेटिंग 261.67 mm square, विच इज ग्रेटर दैन 175 mm square. एंस ओके, ठीक है, मतलब हम 300 mm स्पेसिंग ले सकते हैं. उसके बाद स्टेप नंबर 5 में आते हैं डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब. हमने हुप सिलेंड्रिकल वॉल का हुप हमने डिज़ाइन कर लिया
वर्टिकल रिइंफोर्समेंट भी डिज़ाइन कर लिया। अब रह गया है बेस स्लैब, बेस स्लैब डिज़ाइन करना है। सो टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड लोड गेट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द सॉइल हेंस प्रोवाइडिंग मिनिमम थिकनेस ऑफ 150 mm एंड 0.35% मिनिमम स्टील इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, जब टैंक सॉइल में रेस्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो 150 mm थिकनेस हम एज्यूम करके मिनिमम 0.35% मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं दोनों डायरेक्शन में। AST मिनिमम 0.35% डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, इंटू 1000 इंटू 150 थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय 2, सो यू गॉट 1263 mm². नाउ प्रोवाइड 8 mm डायावार। चलो 8 mm डायावार यूज करके देखते हैं डिजाइन फेल होता है या पास। सो 8 mm डायावार का एरिया हो गया 50.4 mm², हेंस नाउ फाइंडिंग द स्पेसिंग, स्पेसिंग इज इक्वल टू 50.4 इन 2000 डिवाइड बाई 263, दैट इज AST, दिस AST मिनिमम 263, वी आर गेटिंग 190.49 mm. सो विल टेक 180 mm अप्रॉक्सीमेटली, सो इन बोथ दैट डायरेक्शन। ये बार है ये वाला डायरेक्शन में और ये वाला डायरेक्शन में, ये हम 8 mm लेते हैं और दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है वो 180 mm। ये हमारा लास्ट स्टेप है, बेस स्लैब जॉइंट और सिलेंड्रिकल वॉल। ठीक है, टोटल हाइट 5 मीटर, मिडल हाइट 2.5 मीटर, PCC ये वाला लेयर PCC है, ये बिटुमिनियस लेयर है। बिटुमिनियस लेयर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल जॉइंट है। ठीक है, अब हमने जो डिज़ाइन किया है उसका वैल्यू देखिए। सबसे पहले हमने हुप टेंशन डिज़ाइन किए थे हुप, सो 12 mm डायावार एट 110 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये कितना था 2.5 मीटर तक, 2.5 मीटर तक हमें इतना स्पेसिंग में हुप लगाना है, उसके बाद 2.5 मीटर के अबव डबल हो जाएगा स्पेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना है, 10 mm डायाबार एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है ये वाला ये कम्प्लीटली बॉटम से लेकर टॉप तक का स्पेसिंग सेम होना चाहिए। अब रह जाता है स्लैब, स्लैब के लिए टॉप और बॉटम एक्स और वाई डायरेक्शन चारों तरफ 8 mm डायाबार यूज करेंगे एट द 180 mm सेंटर टू सेंटर। सो दिस इज द फाइनल सेक्शंस ऑफ द टैंक वॉल।